दोस्तों टीवी के ऐसे कौन से एक बड़े सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने बिग बॉस के बारे में ये तक कह दिया है कि भाई कोई जरूरत नहीं है बिग बॉस की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूस और मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो जिसको साल दर साल इज्जत तो बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डिग्रेडेशन भी हुआ, लोगों ने सवाल भी उठाए शो के ऊपर। प्लस अभी जो बिग बॉस OTT सीजन 3 खत्म हुआ है उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि भाई अब तो बिग बॉस देखने का मन ही उठ गया। और ऐसे में मतलब यार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, टीवी एक्टर्स हों और इन्फ्लुएंसर्स हों, यूट्यूबर्स हों, इन सभी लोगों को शो पर लाया तो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, ये भी शिकायतें बहुत सारी सुनने को मिली। ऐसे में एक नाम टीवी इंडस्ट्री से जो कि कहते हैं कि भाई मेरा ये मानना है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में कुछ तो पर्दा होना चाहिए, बिग बॉस में सारी चीज़ें ओपन अप हो जाती हैं, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इवन वो ये भी कहते हैं कि अभी इस चीज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, खतरों के खिलाड़ी जैसा अगर शो मिले तो मैं करने की सोच भी सकता हूँ, लेकिन बिग बॉस करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों नाम है अंकित रायजादा जो कि स्टार प्लस के शो में काम कर रहे हैं इस समय। उनका ये कहना है कि भाई वो नहीं करना चाहते हैं बिग बॉस, जो उनका ओपिनियन है, जिसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का लेवल सच में गिर चुका है, जब ये तीसरे चौथे बंदे हैं जो कि मना कर रहे हैं आने के लिए। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद।